हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एंटी एंड्रोजन्स की फार्माकोलॉजी स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्रोड्यूस होने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंड्रोजन है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 5-10% टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी एक पोटेंट एंड्रोजन है। एंटी एंड्रोजन्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एंड्रोजन्स के इफेक्ट या फिर उनके एक्शंस को रोक दें। एंटी एंड्रोजन्स दो तरह के होते हैं। एंटी एंड्रोजन्स या तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं या फिर एंड्रोजन्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन को कम कर देते हैं। अब आप यहाँ पर एंटी एंड्रोजन्स की क्लासिफिकेशन को देखो। एंटी एंड्रोजन्स को मुख्यतः तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं जिससे एंड्रोजन्स का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरी कैटेगरी है एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स एंड्रोजन की सिंथेसिस को कम कर देती हैं। और तीसरी कैटेगरी है एंटी गोनाडोट्रोपिन्स। ये ड्रग्स एंड्रोजन्स की सिक्रीशन को कम कर देती हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स। ये हैं एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड नहीं कर पाते और उनके एक्शंस भी प्रोड्यूस नहीं होते। ये ड्रग्स दो तरह की होती हैं, स्टीरॉयडल और नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं सिप्रोटेरोन एसीटेट, मैगास्ट्रोल एसीटेट, क्लोरमैडिनोन एसीटेट, स्पार्नोलैक्टोन, ऑक्सैंडोलोन। दूसरी ओर नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं फ्लूटामाइट, बाइकैलूटामाइट, निलूटामाइट, टॉपिलूटामाइट, एनजेलूटामाइट, एप एलूटामाइट। नाउ महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझने की है वो है कि अब मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का ही प्रयोग होता है, क्योंकि स्टीरॉयडल एंटागोनिस्ट के विपरीत नॉन स्टीरॉयडल एंटागोनिस्ट एंड्रोजन रिसेप्टर्स को ज़्यादा स्पेसिफिकली और ज़्यादा सेलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं और इसीलिए इनकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी है और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली कम हैं। सेकेंड कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स हैं एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स एंड्रोजन्स की सिंथेसिस को कम कर देती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं। एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स उन एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जो कि एंड्रोजन्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 17A1, देन साइटोक्रोम P450 11A1, देन 5-alpha reductase। यहाँ फर्स्ट टाइप की ड्रग्स हैं साइटोक्रोम P450 17A1 एंजाइम इनहिबिटर्स। ड्रग्स जैसे कि कीटोकोनाजोल, एबिराटेरोन एसिटेट, सेवीटिरोनेल। सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग्स हैं साइटोक्रोम P450 11A1 एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे कि अमीनोग्लूटीथीमाइड। ये ड्रग्स उन एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तीसरी तरह के एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं 5-alpha reductase इनहिबिटर्स। नाउ यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि 5-alpha reductase एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो 5-alpha reductase इनहिबिटर्स डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को रोकते हैं।
ड्रग्स हैं फिनास्टेराइड, डूटास्टेराइड, एप्रीस्टेराइड, अल्फा ट्राडियोल। थर्ड कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स हैं एंटी गोनाडोट्रोपिन्स। ये ड्रग्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम कर देती हैं। एंटी गोनाडोट्रोपिन्स तीन तरह के होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, इन शॉर्ट GnRH मॉड्यूलेटर्स, दूसरे प्रोजेस्टेरोजन्स और तीसरे ईस्ट्रोजन्स। नाउ GnRH मॉड्यूलेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, GnRH एगनिस्ट फॉर एग्जाम्पल ल्यूप्रोरेलिन, और GnRH एंटागोनिस्ट जैसे कि सेट्रोरेलिक्स। देन प्रोजेस्टेरोजन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अलाइल एस्ट्रिनॉल, क्लोर मैडिनॉन एसिटेट। देन ईस्ट्रोजन्स लाइक ईस्ट्राडायोल, इथेनाइल ईस्ट्राडायोल, डाईथाइल स्टिलबियास्ट्रोल। ये सारे एंटी गोनाडोट्रोपिन्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम कर देते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंड्रोजन्स। अब हर कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स की फार्माकोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। नाउ फर्स्ट कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स हैं एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ड्रग्स डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड करती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं। इसके अलावा ये ड्रग्स टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से कॉम्पीट करके उनको एंड्रोजन रिसेप्टर्स से डिस्प्लेस कर देती हैं, उनको एंड्रोजन रिसेप्टर्स से हटा देती हैं और उनकी जगह खुद एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स अपने एक्शंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दो तरह के होते हैं, स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब डिटेल में समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को क्यों प्रिफर किया जाता है। तो पहले बात करते हैं स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। एग्जाम्पल है सिप्रोटेरोन एसिटेट। नाउ जैसा कि हमें पता है एंड्रोजन्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स होते हैं, और स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जैसा ही होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इन ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स के जैसा होता है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर एंड्रोजन्स जैसा होता है। नाउ क्योंकि इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स जैसा ही होता है, तो इसलिए ये ड्रग्स अपने टारगेट्स यानी कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स के अलावा दूसरे स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स इत्यादि से भी बाइंड हो जाती हैं। दस दीज स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैन एग्जर्ट ऑफ टारगेट हॉर्मोनल एक्टिविटी, यानी कि ये ड्रग्स अपने रिसेप्टर्स के अलावा दूसरे रिसेप्टर्स से भी बाइंड हो जाती हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस में ये ड्रग एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के विपरीत वीक पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये ड्रग्स टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस में वीक एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और इसीलिए इनकी जगह अब नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि बाइकैलूटामाइड, फ्लूटामाइड को यूज किया जाता है। नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर स्टीरॉयड जैसा नहीं है, और इसीलिए ये सेलेक्टिवली एंड्रोजन रिसेप्टर से ही बाइंड करती हैं, और इसीलिए इनको प्योर एंटी एंड्रोजन्स कहा जाता है। ये कभी भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं करती, इनका कभी भी पार्शियल एगोनिस्टिक एक्शन नहीं होता, और इसीलिए इनको साइलेंट एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है।
और नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के इस बेटर फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल की वजह से बहुत हद तक इन ड्रग्स ने स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को रिप्लेस कर दिया है। अब समझते हैं इन ड्रग्स को यूज़ कहाँ किया जाता है। नाउ नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि बाइकैलुटामाइड, फ्लूटामाइड को प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ और एनलार्जमेंट एंड्रोजन्स की वजह से होती है और आगे चलकर इसी वजह से मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में एंटी एंड्रोजन्स को यूज़ किया जाता है। नाउ कंबाइंड एंड्रोजन ब्लॉकेज थेरेपी को प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और इस कंबाइंड एंड्रोजन ब्लॉकेज थेरेपी में दो अलग अलग कैटेगरीज के एंटी एंड्रोजन्स को कंबाइन करा जाता है और फिर इस थेरेपी को प्रोस्टेट कैंसर में की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नाउ इस कंबाइंड थेरेपी का एक कंपोनेंट होता है नॉन स्टीरॉयडल एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरा कंपोनेंट है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन मॉड्यूलेटर्स। तो इस तरह इन ड्रग्स को प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको समझना ज़रूरी है कि फ्लूटामाइड से लिवर डैमेज हो सकता है और इसीलिए फ्लूटामाइड को अब यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा बाइकैलुटामाइड से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, चिल्स, एडिमा, लूज स्टूल्स और इसके अलावा लिवर के एंजाइम्स हिपैटिक ट्रांसमाइनेसिस भी बढ़ सकते हैं। अगर हिपैटिक ट्रांसमाइनेसिस का लेवल राइज होकर नॉर्मल से दुगना होने लगे तो बाइकैलुटामाइड को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की फार्माकोलॉजी। एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बाद सेकेंड कैटेगरी के एंटी एंड्रोजन्स हैं एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स एंड्रोजन्स की सिंथेसिस को रोकती है। एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स तीन तरह के होते हैं, साइटोक्रोम P450-11A1 इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल, इसके अलावा एबिरेटेरॉन, सेवीटिरोनेल, देन साइटोक्रोम P450-17A1 इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल अमीनोग्लूटिथिमाइड। नाउ जैसा कि हमें पता है टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरॉन एक स्टीरॉयडल हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है, तो ये दोनों एंजाइम्स टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। नाउ साइटोक्रोम P450-11A1 और साइटोक्रोम P457A1 इनहिबिटर्स, ये दोनों तरह की ड्रग्स टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस को कम करते हैं और इसके अलावा कीटोकोनाजोल की टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कीटोकोनाजोल को क्लिनिकली यूज़ नहीं किया जाता। और साइटोक्रोम P450-17A1 इनहिबिटर्स टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस को तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ ये ड्रग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस को भी कम करती हैं, ये ड्रग्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती हैं। नाउ तीसरी तरह के एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड। नाउ जैसा कि हमने अभी पढ़ा टेस्टोस्टेरॉन एक स्टीरॉयडल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड हेयर फॉलिकल्स में टेस्टोस्टेरॉन फर्दर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है, DHT में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेस टेस्टोस्टेरॉन को DHT में कन्वर्ट करता है। नाउ ये जो DHT है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड्रोजन है और DHT का प्रोस्टेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल में मेजर रोल है। नाउ DHT बढ़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होता है जिसकी वजह से होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया और DHT बढ़ने की वजह से ही मेल पैटर्न बाल्डनेस देखी जाती है। नाउ ड्रग्स जैसे कि फिनास्टेराइड,
ग्लूटास्टेराइड एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता। और इन ड्रग्स के यूज से हेयर फॉलिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में डीएचटी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ाने में मेनली डीएचटी ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने की कंडीशन को बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, इन शॉर्ट इसको बीपीएच कहते हैं। इन ड्रग्स के यूज से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कम हो जाता है और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके अलावा पुरुषों में मेल पैटर्न बाल्डनेस, यानी कि धीरे धीरे हेयरलाइन का रिसीड होना और फिर गंजापन आने में भी डीएचटी ही रिस्पॉन्सिबल है। और इन ड्रग्स के यूज से फर्दर हेयर लॉस होना रुक जाता है और इसीलिए इन ड्रग्स को मेल पैटर्न बाल्डनेस में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ वुमेन, यानी कि हिरसूटिज्म में भी ये ड्रग्स यूजफुल हैं। और स्त्रियों में बॉडी पर जो ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है उसको कम करने में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। फिनास्टेराइड इन सभी कंडीशंस में यूज़ होने वाला एक कॉमन ड्रग है, जिसको ओरली दिया जाता है। और फिनास्टेराइड की हाफ लाइफ है 4 to 8 hours और एल्डरली पेशेंट्स में इसकी हाफ लाइफ है 6 to 15 hours। ये ड्रग काफ़ी वेल टॉलरेटेड है, पर क्योंकि ये डीएचटी के लेवल्स को कम करती है, इससे लिबिडो कम हो सकता है, उसके अलावा इससे इम्पोर्टेंस आ सकती है और कभी कभार गाइनिकोमेस्टिया और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो यह है फार्माकोलॉजी ऑफ एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नाउ एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंड्रोजन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ एंटी एंड्रोजन्स हैं एंटी गोनाडोट्रोपिन्स। ये ड्रग्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करती हैं, जिससे ब्लड में एंड्रोजन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। नाउ एंटी गोनाडोट्रोपिन्स तीन तरह के होते हैं। पहला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, इन शॉर्ट GnRH मॉड्यूलेटर्स, जो कि GnRH एगनिस्ट और GnRH एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। दूसरी एंटी गोनाडोट्रोपिन्स की जो क्लास है वो है प्रोजेस्टेरोजेंस, और तीसरी क्लास है ईस्ट्रोजेंस। और ये सभी एजेंट्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को कम करते हैं। तो पहले समझते हैं GnRH मॉड्यूलेटर्स की फार्माकोलॉजी। नाउ अब आप इस फिगर को देखो, ये है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस इन मेल्स। नाउ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के GnRH रिसेप्टर्स को स्टीमुलेट करता है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स नेमली LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन और FSH फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हॉर्मोन को रिलीज करती है। नाउ LH टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ा देता है और FSH टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टीमुलेट करता है। नाउ GnRH मॉड्यूलेटर्स दो तरह के होते हैं। GnRH एगनिस्ट ल्यूप्रोरेलिन। नाउ जैसा कि यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हैं, GnRH एगनिस्ट GnRH रिसेप्टर्स को स्टीमुलेट करते हैं। नाउ ये ड्रग्स एंटीरियर पिट्यूटरी के GnRH रिसेप्टर्स को लगातार स्टीमुलेट करती हैं। लगातार स्टीमुलेशन होने की वजह से पहले एक दो हफ्तों में LH और FSH का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं सर्ज, SURGE, सर्ज। पर परसिस्टेंट स्टीमुलेशन की वजह से, जब लगातार GnRH रिसेप्टर्स का स्टीमुलेशन होता है, परसिस्टेंट स्टीमुलेशन की वजह से
कंटिन्यूअसली GnRH रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से GnRH रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन हो जाता है, यानी कि GnRH रिसेप्टर्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से LH और FSH का सिक्रीशन कम होता है और फर्दर टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये GnRH एगनिस्ट जो हैं वो एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके विपरीत GnRH एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जांपल सेट्रोरेलिक्स, ये ड्रग्स एंटीरियर पिट्यूटरी के GnRH रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब GnRH रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होते हैं तो LH और FSH का सिक्रीशन कम होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन कम हो जाता है, पर इन ड्रग्स से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन और सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हैं GnRH मॉड्यूलेटर्स। ना इसके अलावा प्रोजेस्टेरोजेंस और ईस्ट्रोजन भी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम करते हैं और एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब समझते हैं प्रोजेस्टेरोजेंस और ईस्ट्रोजेंस की फार्माकोलॉजी। नाउ प्रोजेस्टेरोजेंस जैसे कि मेगेस्ट्रोल एसिटेट, देन ईस्ट्रोजन जैसे कि डाइथाइल स्टिल बी एस्ट्रोल। नाउ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में इन हॉर्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। नाउ ब्लड में जब इन हॉर्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन पिट्यूटरी को इनहिबिट करती है। पिट्यूटरी के इनहिबिशन की वजह से LH का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। तो इस तरह एंटीगोनाडोट्रोपिन्स टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम करते हैं और एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंड्रोजेंस। अब समझते हैं एंटी एंड्रोजेंस के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। नाउ मेन यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू में पेन होना, देन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, फेमिनाइजेशन, देन हॉट फ्लैशेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी एंड ओस्टियोपोरोसिस। नाउ वुमेन में ये ड्रग्स बेटर टॉलरेटेड होती हैं, मेन के कंपैरिजन में वुमेन में साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, और एंटी एंड्रोजेंस के यूज़ से ब्लड में ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ी कम हो जाती है, और इसकी वजह से वुमेन में जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं वो हो सकते हैं जैसे कि हॉट फ्लैशेस, मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज इत्यादि। अब समझते हैं एंटी एंड्रोजेंस को मेन और वुमेन में किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है। नाउ ज़्यादा एंड्रोजन यानी कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन या फिर ज़्यादा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से मेन में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, इन शॉर्ट BPH। फर्दर अगर साइज़ बढ़ता है तो उससे प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, और एक्सेसिव एंड्रोजन्स एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्स ड्राइव भी देखी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चों में एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाए तो अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है, यानी कि बच्चे वक्त से पहले किशोर और फिर एडल्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशंस एंड्रोजन्स के हाई लेवल से हो रही हैं, तो इन सारी कंडीशंस में एंटी एंड्रोजन्स को यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह फीमेल्स में ज़्यादा एंड्रोजन्स की वजह से एक्नी हो सकती है, सीबोरिया हो सकता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यानी कि पूरे शरीर पर ज़्यादा बाल उग सकते हैं, उसके अलावा स्कैल्प हेयर लॉस हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि DHT बढ़ने की वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाती है, उसी तरह फीमेल में भी अगर एंड्रोजन्स के लेवल बढ़ें तो जो स्कैल्प जो सिर के हेयर हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, सिमिलर टू मेल पैटर्न बाल्डनेस। ये भी हाई DHT की वजह से होता है। देन
इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में भी एंड्रोजेंस के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हाई एंड्रोजेंस लेवल की वजह से हो रही हैं। तो इन सारी कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए एंटी एंड्रोजेंस को यूज़ किया जा सकता है। तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एंड्रोजेंस। नाउ प्लीज़ नोट, ये इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में दी गई है ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए है। अगर इन ड्रग्स को आपको क्लिनिकली यूज़ करना है तो आप फिजिशियन को कंसल्ट करें। बिना फिजिशियन की कंसल्टेशन के कोई भी ड्रग का इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।